हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट 23 ऑफ मर्फीज इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम आई विल एंड आई एम गोइंग टू इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे कौन से सिचुएशन में हमें क्या यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अब सारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 23, I will and I am going to। सबसे पहले ए, फ्यूचर एक्शंस, ये दोनों फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, विल बी और आई एम गोइंग टू बी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है हमें, सारा और हेलेन बात कर रही है और सारा इज सेइंग लेट्स हैव अ पार्टी। हेलेन, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे जो विल है, वी यूज़ विल टू अनाउंस अ न्यू डिसीजन, द पार्टी इज़ अ न्यू आइडिया। तो इसलिए उसने कहा है वी विल इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, अभी अभी उन्होंने डिसाइड किया है और ये कहा है कि हम पार्टी पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे और विल लगाया है। डिसीजन अभी का है, टाइमलाइन की मदद से भी समझा रखा है कि नाउ डिसीजन नाउ, और वी विल लगा है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अब उसी दिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हेलेन डैन से मिलती है और उसे बताती है, सारा एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी, वी आर गोइंग टू इनवाइट लॉट्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे हेलेन ने गोइंग टू, आर गोइंग टू, यानी कि बी गोइंग टू, इज एम आर, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो बी गोइंग टू का मतलब व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग। हेलेन ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि पार्टी करनी है और बहुत से लोगों को बुलाना है, डैन से बात करने से पहले ये डिसाइड हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे बी गोइंग टू यूज़ किया है। तो टाइमलाइन दे रखी है, नाउ से पहले वो डिसाइडेड है, डिसीजन बिफोर, पास्ट में डिसीजन हो चुका है, अभी सिर्फ वो डिसीजन बता रही है, दैट्स वाई शी यूज्ड वी आर गोइंग टू इन्वाइट। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे और सिचुएशंस भी दे रखी हैं कंपेयर करने के लिए, चलिए देखते हैं। गैरी फोन्ड वाइल यू वर आउट, ओके आई विल कॉल हिम बैक। तो गैरी ने जब तुम बाहर थे तो कॉल किया था, तो आगे से जवाब आता है ओके, उसे अभी पता चला है गैरी का फ़ोन आया है, वो कहता है कि आई विल कॉल हिम बैक, मैं उसे कॉल कर लूँगा, यानी कि उसने अभी अभी डिसाइड किया है कि मैं उसे कॉल कर लूँगा, इसलिए उसने आई विल कॉल बोला है। फिर अगले सिचुएशन है, गैरी फोन्ड वाइल यू वर आउट, येस आई नो आई एम गोइंग टू कॉल हिम बैक। येस आई नो का मतलब पहले से मुझे पता है कि गैरी ने फ़ोन किया है और मैं उससे बात करने वाला हूँ, यानी कि इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे कॉल करनी है गैरी को। एक और सिचुएशन है, एना इज़ इन हॉस्पिटल, ओह रियली आई डिडंट नो, आई विल गो एंड विजिट हर, कि एना हॉस्पिटल है। जब ये बात बताई गई तो पहले से दूसरे बंदे को ये बात नहीं पता थी, तो उसने हैरानी भी जाहिर की है, ओ रियली मुझे नहीं पता था, आई विल गो एंड विजिट हर, यानी कि मैं जाऊंगा और मिलूंगा, ये अभी अभी डिसाइड किया है इसलिए विल लगाया है। दूसरे सिचुएशन में, एना इज़ इन हॉस्पिटल, येस आई नो, वो पहले से पता है, एंड आई एम गोइंग टू विजिट हर दिस इवनिंग, और पहले से उसने डिसाइड करके रखा हुआ है कि मैं जाऊँगा और उसे शाम को मिल के आऊँगा। तो पहले से डिसाइडेड सिचुएशंस में हम बी प्लस गोइंग टू लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और जो सिचुएशन, जो फैसला अभी अभी बात करने के टाइम पे किया गया है, उसमें हम विल लगाते हैं। बी में देखते हैं फ्यूचर हैपनिंग्स एंड सिचुएशन। अब इसमें क्या है कि कई बार हम सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इन दैट केस हम विल और गोइंग टू दोनों यूज़ कर सकते हैं, जब हम फ्यूचर हैपनिंग या सिचुएशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आई थिंक द वेदर विल बी नाइस लेटर, और आई थिंक द वेदर इज़ गोइंग टू बी नाइस लेटर, दोनों में फ्यूचर की, मौसम की प्रिडिक्शन हो रही है, इसलिए विल भी ठीक है और इज़ गोइंग टू भी ठीक है। एक और एग्जांपल है, दोज शूज़ आर वेल मेड, दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ये भी प्रिडिक्शन है।
और दोज शूज़ आर वेल मेड, दे आर गोइंग टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम, ये भी प्रिडिक्शन है. इसलिए दोनों ही सिचुएशंस में विल भी लग, एक इसी सिचुएशन में विल भी लग सकता है और आर गोइंग टू भी लग सकता है. दोनों एक्सप्रेशंस आर करेक्ट. व्हेन वी से समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वी नो दिस फ्रॉम द सिचुएशन नाउ. व्हाट इज हैपनिंग नाउ शोज दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. कई बार अभी के सिचुएशन से हमें होने वाली सिचुएशन के बारे में कुछ पता चलता है. जो अभी हो रहा है उसे देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा. तो इस सिचुएशन में हम विल नहीं लगाते, इसमें गोइंग टू ही लगेगा. एग्जांपल्स हैं, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन. अब जब काले बादल आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बारिश हो सकती है. तो इन दैट केस हम विल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लाउड्स आ चुके हैं, सो इट्स गोइंग टू रेन. इसमें विल बिल्कुल नहीं लगेगा. एक और एग्जांपल है, आई फील टेरिबल, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक, क्योंकि अपने बॉडी का जो भी सिस्टम है ख़राब हो गया है, हमें वो अंदाज़ा लग रहा है कि मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है मुझे बुखार होने वाला है, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक. और ऐसे सिचुएशन में आई एम गोइंग टू बी सिक आएगा, आई विल बी सिक नहीं आएगा. सो क्योंकि अभी से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इस टाइप के सिचुएशन में हम विल नहीं लगाएंगे. सो ये था यूनिट नंबर 23. मेरे ख्याल से आपको अब विल का और गोइंग टू का डिफरेंस बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा. इसके आगे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं और ये एक्सरसाइज 23.1 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. मैं कीज़ डाल दूंगी और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस. थैंक यू.